लॉकडाउन में स्कूल बंद है, बच्चे लगातार घर में बंद है, गार्डन मैदान बंद होने से बाहर खेलना भी बंद है, घर बैठे बैठे ऑनलाइन पढ़ाई की। वर्तमान में गर्मी की छुट्टियों के कारण उनकी ऑनलाइन कक्षाओं में छुट्टी हो गई है। पूरे लॉकडाउन में बच्चों की जिंदगी चार कमरों में ही बीत रही है, खुली हवा नसीब नहीं है। बिल्डिंग की बालकनी में खड़े रहकर खुले मौसम का ऑक्सीजन लेकर मन को शांत करने के सिवाय कुछ उपाय नहीं है। ऐसे में क्या करें, यह सवाल बच्चों के सामने खड़ा है। इस सवाल को भी एक वाड़ी के 10 साल के बच्चे ने छुड़ाने का प्रयास किया। लॉकडाउन में घर की चार दीवारों में सिमट कर रह रही एक नन्ही सी 10 साल की बच्ची अनन्या ने कोयल से दोस्ती कर ली। वाड़ी निवासी 10 साल की अनन्या वशिष्ठ ने अपनी ही बालकनी में खड़ी होकर कोयल की हुबेहुब आवाज निकालकर शोर मचाना शुरू कर दिया। यह उपक्रम अनन्या ने नित का कर दिया। जब मन में आया तब पिछले कई महीनों से अनन्या अलग अलग जानवरों और पक्षियों की नकल करते हुए आवाज निकालती है। अनन्या ने निकाली आवाज को पक्षी भी प्रतिसाद देने लगे। पहले तो एक प्रयास किया, हालांकि पढ़ाई के साथ साथ अनन्या ने धीरे धीरे कोयल की तरह लगभग एक ही ध्वनि बनाने की कला में महारत हासिल कर ली। बिल्डिंग के पड़ोस में लगी जामुनी पेड़ से कोयल की प्रतिक्रिया सुनाई देने लगी, एक आवाज अनन्या की और एक कोयल की। ऐसी जुगलबंदी शुरू हो गई। एक बार दो बार हुई, जामुन की टहनी पर आकर बैठ जाती है और सुरीली आवाज में गाती है। उस वक्त अनन्या जवाब देती है तो कुछ देर के लिए फिर से बाजीगरी शुरू हो जाती है। कोयल भी अनन्या को उतनी ही मधुर आवाज में जवाब देती है। पिछले एक महीने से हर दो तीन दिन में एक बार यही सिलसिला चलता रहा है। इस घटना की पृष्ठभूमि यह है कि अनन्या ने कुछ दिन पहले अपनी ऑनलाइन कोडिंग क्लास में एक टीचर के कहने पर एक प्रोजेक्ट बनाया था। उनकी तस्वीरों और सूचनाओं के साथ उन्होंने इसे गूगल से एक ऑडियो फाइल के रूप में लिया। हालांकि उन्होंने अपनी कोयल की आवाज बनाई। उन्होंने तर्क दिया कि मेरी आवाज कोयल की आवाज की समान थी। अनन्या की माँ और दादा दादी जो बचपन में अपनी शिक्षा पर ध्यान दे रहे थे, यह सोचकर कि यह सबसे खास बात है। बचपन में माँ और दादा चुप रहे, लेकिन अब खुद कोयल अनन्या की आवाज पर दौड़ती है और जवाब देती है। तब दादा दादी को अनन्या की कला का अंदाजा आया। असली कोयल व अनन्या की दोस्ती बन गई। अब भविष्य में साफ हो जाएगा कि अनन्या और कोयल की ये दोस्ती कब तक चलती है। खास बात यह है कि अनन्या जब 7 साल की थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनन्या ने पत्र भेजा था। उसका जवाब प्रधानमंत्री ने अनन्या को दिया। आज पंछी अनन्या को जवाब देती है। BCN न्यूज के लिए अभिषेक पांसे, सौरभ पाटिल की स्पेशल रिपोर्ट।